देश में जब कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो उस समय भारतीय वायुसेना के शूरवीर यानी वो देवदूत कैसे बचाते हैं हजारों कीमती जानों को, वो आज हम आपको दिखाएंगे। ये जो आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर है MI-17। इन हेलीकॉप्टर्स का और अन्य हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है लोगों की कीमती जानों को बचाने के लिए जब देश में कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है। हमने हिमाचल प्रदेश में देखा, हमने देश के कई हिस्सों में देखा जब बाढ़ बारिश से हजारों लोग प्रभावित थे, तो इसी हेलीकॉप्टर की मदद से हमारे शूरवीरों ने हजारों जिंदगियों को बचाया। और जब भारतीय वायुसेना के जवान किसी भी रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो वो कौन सा साजो सामान है, वो कौन से लेटेस्ट इक्विपमेंट है जिनको साथ लेकर जाते हैं, वो आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। ये वो तमाम इक्विपमेंट है जिन इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के दौरान। इस समय सिक्किम में स्थिति भयावह है, वहां सैकड़ों लोग लापता हैं और वहां भी भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना जो है लगातार ऑपरेशन को अंजाम दे रही है ताकि जो लोग लापता हैं उन्हें ढूंढा जा सके, जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित निकाला जा सके। इन सामान के बारे में विस्तार से जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर हमारे साथ हैं। सर, हमें एक एक करके बताएं कि जब आप रिलीफ ऑपरेशन के लिए जाते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाते हैं, तो ये कौन सा वो सामान है, इसे क्या कहा जाता है जो सबसे जरूरी है? जी, सबसे पहले नंबर पर रखा हुआ स्टार्ट करते हैं, इसे हम वाटर डागा 6 बोलते हैं। जी जी। और इसका प्रयोग जब करते हैं जब कोई भी सामान जहाज के अंदर नहीं आ पाए। जी जी। जो नीचे लटका के ले जाना पड़े, कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, उसके बाद ये है, इसको बोलते हैं मैन होइस्ट। इसकी जरूरत जब पड़ती है, जब कोई भी बुजुर्ग या फिर वो अगर रस्सी पर नहीं चढ़ पा रहा है तो दो बंदों को हम ऊपर खींच लेते हैं और यहाँ से अंदर ले लेते हैं। नंबर 3 पे है ये सेफ्टी हार्नेस। जी जी। इसको गनर और जो क्रू मेंबर जो नीचे जाते हैं वो यूज करते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। ये जो ये है, इसे पहनना जो है बेहद ज्यादा अनिवार्य होता है। हाँ जी, बेहद अनिवार्य है। अगर इसको नहीं पहनेंगे तो जान को खतरा होगा ही, क्योंकि ये सेफ्टी है। अगर इसको अटैच नहीं करेंगे हम लोग तो सेफ नहीं रह पाएंगे। जहाज में अंदर हुक होता है, उसे अटैच करके रखते हैं। और सर, ये क्या है, एक मेडिकल किट है क्या है ये? जी, ये इसको हम सर्वाइवल किट बोलते हैं। इसमें सारा सामान वो होता है जो कहीं भी जहाज अगर ऐसी जगह पर रुकता है जहाँ खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे चाकू, माचिस, बिस्किट, पानी, ये वो चीज़ें होती हैं इसके अंदर, सर्वाइवल किट बोलते हैं इसको। ये जो सर्वाइवल किट है ये आपके लिए होती है? जी, जो इसमें क्रू बैठता है उसके लिए होती है। जी। तो ये दूसरा ऑक्सीजन क्या है ये? ये ऑक्सीजन बॉटल है। जी। ये उसका मास्क है और ये जो है ये मास्क है। जी। तो वहाँ से हम जब सप्लाई ऑन करेंगे तो इसके अंदर ऑक्सीजन आती है। जी। और कुछ पर्टिकुलर हाइट के बाद यूज पड़ती है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन कम हो जाती है। जी। तो क्रू को कोई दिक्कत ना हो उसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट। और लैडर जो है सबसे इम्पोर्टेंट? जी, लैडर रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मेनली हम जब रेस्क्यू करते हैं तो सारी तरीके के लोग हैं, कुछ बुजुर्ग होते हैं, जवान भी हैं, तो जो चढ़ने में सक्षम है हम उसको इससे चढ़ा देते हैं। जी। और सर, उसी के साथ वो आखिरी में क्या है? जी, ये है, अगर मान लीजिए किसी नदी वगैरह में कोई पानी वगैरह से गिरा हुआ एरिया है, अगर वहाँ लोग फंसे हुए हैं तो हम इसको नीचे डालते हैं, इसकी एक केबल है उसको खींचते हैं इसको। हाँ जी, तो इसमें एक सिलेंडर है। जी, उसे सेल्फ इन्फ्लेट हो जाता है, तो इसके अंदर 10 से 12 बंदे हम 10 बंदे निकाल सकते हैं। जी। सर, हम देख रहे हैं इस समय जो है सिक्किम में हालात जो है भयावह हैं, वहाँ काफ़ी लोग जो है फंसे हुए हैं, कई लोग लापता हैं। जब क्योंकि आप ही के जो बाकी साथी जवान हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं, वहाँ भी यही ऑपरेशन में यही सामान? हाँ, यही है। एक चीज़ और है जो मेन हम यूज़ करते हैं, ये जो हेलीकॉप्टर की बॉडी पर लगी हुई है ये इधर। जी, आप आएं सर। जी, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो हुक सा लटका हुआ है। जी, इसको बोलते हैं हम विंचिंग। ये ये जो ऊपर लगा हुआ ये वाला, इसका सर क्या, इसका किस लिए उपयोग किया जाता है इसका? ये सारे काम, अगर मतलब ये जो मैंने आपको दिखाया ये या वो, ये सारे मतलब इसी से यूज होते हैं। इसको यहाँ से ऑपरेट करते हैं, ये रस्सी नीचे जाती है, बंदा उठाती है और ऊपर करते हैं। सर, क्योंकि आपने हिमाचल में हमने देखा काफ़ी रेस्क्यू ऑपरेशन आपने किए, हजारों जिंदगियों को बचाया, जो समय सिक्किम में हालात हैं, जब आप जाते हैं किसी भी ऑपरेशन में, चैलेंज सबसे बड़ा क्या रहता है? सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे लिए यही है कि पहले लोकेशन सेट करना हमारे लिए, कि कहाँ जहाज को हम ले जा सकते हैं, कहाँ नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जगह पर आजकल बिल्डिंगें ऊँची हैं, टावर हैं, तो सबसे पहले जहाज़ की सेफ्टी है। हमें ये देखना होता है कि हम जहाज को कहाँ लैंड कर सकते हैं, कहाँ लैंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर जहाज सेफ नहीं है तो कोई सेफ नहीं है। अगर ये सेफ है तभी हम बंदों को निकाल सकेंगे। ऐसे भी आपके सामने जो है स्थिति आती होगी कि जहाज को लैंड करवा पाने के लिए भी आपको नहीं स्पेस नहीं मिलता। नहीं मिलता तो हम लोग होवर करते हैं, हवा में रखते हैं जहाज और रस्सी को नीचे डालते हैं, उतार देते हैं।
जी जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सुन सकते हैं ऑफिसर को, ये देखिए यही वो हेलीकॉप्टर है और अन्य वो दूसरे हेलीकॉप्टर हैं जिनका इस्तेमाल जो है भारतीय वायुसेना करती है ताकि किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में, रिलीफ ऑपरेशन में जो है हजारों कीमती जिंदगियों को बचाया जा सके। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, News 24 जम्मू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।